बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आजमगढ़ से, जहां कार्यक्रम स्थल पर जाने को लेकर झड़प हुआ है। सीएए प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंच रही है प्रियंका गांधी, और थोड़ी ही देर के बाद प्रियंका गांधी प्रदर्शनकारियों महिलाओं से मुलाकात करेंगी। प्रियंका के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है, और इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। तो आपको बता दूं कि काफी दिनों से सीए का विरोध पूरे देशभर में किया जा रहा है, ऐसे में प्रियंका गांधी भी पहुंच रही है, और ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प का मामला आजमगढ़ से सामने आया है। और इस खबर में ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रवि प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हाथापाई की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी की सुरक्षा को लेकर के और इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे जो कि नौजवान थे, और इसके बाद उन लोगों का यह प्रयास था कि वो किसी तरह अंदर पहुंचे। पुलिस ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सर्किल ऑफिसर से झड़प हुई। बाद में कुछ और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी, हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फिर जो है समझा बुझा करके और नियमों का हवाला देते हुए उन लोगों को शांत कराया गया। लेकिन कुल मिलाकर से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे, वह एक तरह से देखा जाए तो पुलिस की कार्यशैली को या पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को हटा करके और अपने आप को या अपने लोगों को प्रदर्शन अपना दिखाना चाहते हैं कि वह किस तरह से पार्टी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जी रवि, आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी मात्रा में, कितनी तादाद में वहाँ पे कांग्रेसियां जो है वो मौजूद है, और पुलिस बल कितने नंबरों में वहाँ पे तैनात है? देखो, पुलिस बल की जहाँ तक बात किया जाए तो यहाँ दो सर्किल ऑफिसर लगाए गए हैं जी, और एडिशनल एसपी खुद जो है मौके पे हैं। इसके अलावा काफी एसएचओ लगाए गए हैं, कई थानों के पुलिस है, और फिर इसके बाद से लगभग सैकड़ों कांस्टेबल है। लेकिन आजमगढ़ में जिस तरह से आज प्रियंका के दौरे के बाद कांग्रेसियों की संख्या की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिसके कारण जो है यहाँ इस समय आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो भी नेता है उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता लेकर के पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेसियों की संख्या इस वक्त आजमगढ़ में काफी ज्यादा है। रवि, और ऐसे में प्रियंका गांधी को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, प्रियंका गांधी की सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो प्रियंका गांधी की अपनी सुरक्षा जो है, तो उसके अलावा पुलिस ने बकायदे बैरिकेडिंग की हुई है, और एक एक आदमी को बाहर हो गया, अंदर केवल कार्यक्रम स्थल पर भी केवल महिलाएं जा रही हैं, महिलाओं के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस इस चीज का भी ध्यान रख रही है कि जो आम पब्लिक इकट्ठा हुई है उसको जो है बैरिकेडिंग के बाहर रखा जाए जो है, ताकि किसी भी तरह की कोई जो है सुरक्षा में सेंध न लगा सके या किसी तरह की सुरक्षा की कमी ना आए, और प्रियंका गांधी का यह कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।